बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सोबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान अनीका निसार। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मसले पर बात करनी है शुरू प्रोग्राम के आगाज के अंदर स्पेशली, और वो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की ओपन हार्ट सर्जरी, और साथ ही साथ उन्होंने जो काबीना और साथ बजट के हवाले से जो सेशन है उस पर वीडियो लिंक के साथ जो है कॉन्टैक्ट किया। अब ये तमाम चीज़ें तो हमारे सामने है। वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन में हैं, उनकी आज ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। हम दुआगो तो हैं ही उनके लिए, हर प्रोग्राम में हम उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कौमी उमूर चलाने के लिए क्या वीडियो लिंक काफ़ी है या नहीं है? इसहाक दार साहब का तो ये कहना है कि वीडियो लिंक आईन और कानून के मुताबिक है, लेकिन क्या तमाम मसले इस तरीके से हल हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से बात करेंगे। तनवीर साहब, वज़ीर आज़म साहब की ओपन हार्ट सर्जरी वैसे तो हम दुआगो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कल जो इजलास में उन्होंने वीडियो लिंक के साथ जो कांटेक्ट किया, उसके बारे में आपको क्या थॉट्स हैं? इज इट एनफ? देखिए, दुनिया भर में वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग्स होती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अक्सर वीडियो लिंक के जरिए इजलास करते हैं, इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए कोर कमेटी के इजलास करते रहे हैं। ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान का बजट अप्रूव नहीं हो सकेगा, डिले हो जाएगा, अहम फैसले नहीं हो सके, ये खदशा अब दूर हो गया है। कल वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने काबीना का जो बजट इजलास है उसकी भी सदारत की, इंस्ट्रक्शंस दी, मालूमात हासिल की, इसी तरह से कौमी इक्तिसादी कौंसिल का जो इजलास था और उसकी भी सदारत की। और ये ज़रा पहली मरतबा हमें लग रहा है कि ये जो बजट काबीना ने अप्रूव किया ये 3 दिन पहले कर दिया है, या बजट के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की शमूलियत ज़रा लिमिटेड थी और ज़्यादा डिबेट करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन उसकी वजह है कि वज़ीर आज़म ने इजलास को बताया कि मैं इलाज के लिए आया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ। चारों सूबाई वज़रा ने वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, इजलास में दुआ मांगी गई उनकी सेहत की, और कहा गया कि आपकी गैर मौजूदगी में जब आप अस्पताल होंगे तो हम इस हुकूमत को टफ टाइम नहीं देंगे, बल्कि इनके साथ तावन करेंगे। और ये जो फीलिंग्स कल हमने देखी, इससे मुल्क जो है एक स्टेप आगे गया है। अब जो मामूल के मुताबिक मामला चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम था कि क्या कायम-ए-काम वज़ीर आज़म बन सकता है, चूँकि नहीं बन सकता है इनमें, अब इसहाक डार साहब के लिए एक नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के जो अख्तियारात हैं इसहाक डार साहब को दे दिए जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, देखिए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की दुआएं मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं कैसे पाकिस्तान को देख रहा हूं जहां पे गुर्बत नहीं होगी, जहां जहालत नहीं होगी, जहां पे पसमांदगी नहीं होगी। ठीक है, ये तमाम चीजें तो उन्होंने बोली, लेकिन एट द सेम टाइम पनामा लीक्स का मसला लगता है पीछे चला गया, और ये मसला आप सामने आ गया। फारूक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पनामा लीक्स का मसला कोई पीछे नहीं चला गया, वो मामला बस उसी तरह चल रहा है। ठीक है, अभी 2 हफ्ते जो पूरे हो जाएंगे टी और कमेटी के, तो देख लेंगे फिर लॉयर्स क्या करते हैं और पाकिस्तान में क्या मामला आगे चलते हैं। चीजें नहीं आ रही जी, सामने नहीं, वो तो देखिए अब मैं आपकी बात मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की जो बीमारी है या उनके जो ऑपरेशन उसकी वजह से डाइवर्जन तो हुई है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन पहली चीज़ यह है कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल बड़ा हिस्टोरिक दिन था। मेरा मुझे नहीं याद है कभी ऐसे पहला हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान का बजट जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो लंदन से बैठ के अप्रूव करते हैं। ठीक है ना जी, मैं मानता हूँ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, एबनॉर्मल हालात होते हैं तो इस तरह की एबनॉर्मल सूरत हाल भी पैदा हो जाती है, लेकिन ये एक नॉर्म अब नहीं बनना चाहिए, एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो टॉप एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये समझें कि जनाब अगर एक दफ़ा हमने कर लिया तो ये रूटीन बन जानी चाहिए कि जब भी हम 10 दिन के लिए जाएं लंदन सैर सपाटे के लिए तो वहाँ से 2-3 इजलास वीडियो लिंक पर करें और पाकिस्तान के मामले ऐसे चलाएँ। ये एक वन टाइम हुआ है, ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक तो ये बात। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि देखें ना, ये वीडियो लिंक जो है इसकी वजह से ये एक और सूरत हाल जो पैदा हुई है कि ये जो सिक्योरिटी के मामले हैं, वीडियो लिंक्स देखना, ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपके हैकर जो हैं, आपके जो दुश्मन एजेंसीज हैं वो इनको जो है वो आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, तो लिहाजा ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने भी कल किया, आपको पता है उन्होंने भी पंजाब के बजट की जो ओवरऑल वो जो मीटिंग चेयर की है 3 घंटे का, उन्होंने वीडियो लिंक से वहाँ पर लंदन से जो है वो मामला किए। ठीक है, इस दफ़ा आपने कर लिया, लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा ये नॉर्म और रूटीन जो है ये नहीं होनी चाहिए। वो आपके फाइबर जो बिछाए थे नवाज शरीफ साहब ने, उसका उन्हीं को फायदा हुआ आज। लेकिन आप देखिए, नवाज शरीफ तो वो आदमी है कि जब इमरान खान 2013 के इलेक्शन से पहले गिर के जख्मी हुए तो वो वहाँ अस्पताल पहुँचे, उन्होंने अपनी मुहिम मुलतवी कर दी। आज पीटीआई की तरफ से कैसे बयान आ रहे हैं,
बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो किस बंदे ने अस्पताल पहुंच के जियालों को गले लगाया, उनको दिलासा दिया। आज बिलावल भुट्टो किस तरह का बयान दे रहा है, देखिए रूस का सदर हमदर्दी का इजहार कर रहा है, तुर्की का सदर कर रहा है, मोदी का फोन आया है, अशरफ गनी का आया है। हम क्यों वजीर आजम नवाज शरीफ को माफ करने को तैयार नहीं है? जिस तरह के अपोजिशन की तरफ से इस वीडियो लिंक के ऊपर इतराजात आ रहे हैं, क्या ये वक्त है इसका? देखिए ये जो कुछ हो रहा है ये खुशी से नहीं हो रहा है। तनवीर साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, कोई ये नहीं कह रहा कि जनाब उनको कंडेम करें, ऐसे ठीक मानते हैं एबनॉर्मल हालात हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जो कल दो उन्होंने जो मीटिंग्स को चेयर किया लंदन से बैठ के, मैं समझता हूँ ये फॉर्मेलिटी थी। अगर आप समझें कि जनाब उनकी मीटिंग चेयर करने से बड़े बजट तजावीज़ और बड़ी चीज़ें चेंज होगी, नहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो ये खबर ये थी शहबाज शरीफ साहब तमाम इंपॉर्टेंट कागजात अपने साथ लेके गए थे। इसका मतलब यह है कि जो जहाँ जहाँ और इस तरह ये बात भी तो सामने आई थी कि जाने से पहले ही बजट की तमाम चीजें, जी जारी बात है, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी जो उन्होंने पूरी करनी थी, तमाम चीजें फाइनलाइज थी, जो सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर साहब ने करने थे वो कहते हैं पीआईए फाइट से भी कुछ कागजात दे। सिर्फ एक ब्रीफ क्वेश्चन सुन लीजिए, मुझे फारूक साहब ये बताएं कि मनमोहन सिंह जब दिल की आरजे की वजह से अस्पताल गए थे और प्रणब मुखर्जी को कायम मकाम अनअनाउंस्ड वजीर आजम के तौर पे सारे अमूरे मुल्कत चलाते रहे, वहां तो किसी ने कोशिश नहीं की कि जरा जनाब ये मनमोहन सिंह की जगह अपना वजीर आजम। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब देता हूँ। वहां पे ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का लेवल बहुत हाई था, एग्जैक्टली लोगों को पता था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को क्या मसला है, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। फिर सर सुने मेरी बात, सुने, यहाँ पे मैं समझता हूँ काफी हद तक बड़े मामला को कवर अप करने की कोशिश की है अमेरिका के अंदर। मैं कवर अप क्या, मैं अमेरिका के अंदर एक मैं समझता हूँ तनवीर साहब डिस इन्फॉर्मेशन कराने की कोशिश की है कि भाजी वो दो दिन मैंडेटरी है कि जो अमेरिका का सदर होता है उसको साल के शुरू में अपने तफसीली मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक के साथ शेयर की जाती हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान में जो अहम हुए लोग हैं हमें भी चाहिए कि इनके मेडिकल टेस्ट हों और उसके बाद पब्लिक हों ताकि लीडरशिप सेहतमंद ठीक तरीके से आगे जाए। मुझे याद है जब प्रेसिडेंट कार्टर जो है प्रेसिडेंट क्लिंटन उनका वो टांग का मसला हुआ था वो गिर गए थे, बाकायदा रोज बुलेटिन जारी होता था कि ये उनकी टांग की सूरत हाल है, अब ऑपरेशन हो गया है, पूरी डिटेल बताई जाती थी आके कि जनाब आपके प्रेसिडेंट को ये मसला है। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत कुछ चीजें छुपाई नहीं जाती, यहाँ भी कोई छुपाई भी जाती है, डिस इंफॉर्मेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो लोगों के दिलों में शकूक और शुबात पैदा होते हैं। राइट, अच्छा जो फैमिली गई है उसका तो जाना बनता है, डेफिनेटली उनके लिए एक टफ टाइम है, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं क्या वो सरकारी खर्चे पे गए हैं, अपने खर्चे पे गए हैं, उनका जाना बनता है नहीं बनता? इसकी वजाहत उन्होंने की है कि वो लोग अपने जाती खर्चे के ऊपर गए हैं। देखिए ये एक ऐसा मौका है, एक बंदा कश्मीर से मुस्लिम लीग नून का लीडर है, उसने आज अखबारों में इश्तहार छपवाया कि पूरी कौम दुआ करे, जिसके बस में जो है जो जा सकता है, जो दुआ कर सकता है, जो सदका दे सकता है, लोग अपने अपने तरीके से एक मकबूल लीडर है उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको उसी स्पिरिट के अंदर लेना चाहिए, ये फीलिंग्स वाली बात है, इसमें किसी किस्म की करप्शन का इशू है। अगर वहां पे मौजूद है तो कोई ऐसी बातें होना भी चाहिए। ठीक है, फैमिली की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फैमिली ने बहुत मुलाकातें भी की वजीर आजम साहब के अस्पताल दाखिल होने से पहले, और एक मुलाकात हुई वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की वजीर आजम से भी। अब जब ये मुलाकात हुई तो इसके अंदर सुनने में ये आया है कि वजीर आला साहब आप दीदा हो गए, इमोशनल हो गए, डेफिनेटली बड़े भाई जो है सर्जरी के लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि वजीर आजम साहब ने एक तलकीन की, अपने खानदान को बोला कि मुतहद रहो, कहा यह जा रहा था कि खानदान में कुछ तनाव भी है, उस तनाव की वजह से जो है वो अब ये तलकीन करना पड़ी। फारूक साहब ये तलकीन भी की, उसके बाद ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी का काम करना, ये तमाम चीजें क्या मोराल तो नहीं यूज कर रहे? देखिए ये एक बड़ा नॉर्मल है कि जब आप एक बड़े ऑपरेशन, वैसे तो लोग वो सोशल मीडिया पे जो बड़ी ऑथेंटिक किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि ये जो मैक्सिमम 45 मिनट्स और एक घंटे का प्रोसीजर है, ये उस तरह का बाईपास ऑपरेशन ये 5-6 घंटे वाला, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जिसमें लास्ट टाइम हुई थी, ये बाकी 45 मिनट और एक घंटे में इनका ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए, सारी पाकिस्तान की आवाम की दुआ तो यही, आफ्टरऑल ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये जो उन्होंने ऐसे मौके पर लोग नसीहत भी करते हैं, पूरी फैमिली वाले हों, ठीक है ना जी, सब साथ हो, अब उन्होंने दो इंपॉर्टेंट नसीहतें की।
پہلی انہوں نے یہ کہا کہ جی جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کے عوام, پاکستانی عوام اور ملک کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے نا جی. تو چلیں یہ ان کے ذہن میں اگر واقعی دل میں یہ بات ہے تو اچھی چیز ہے, وہ اپنے شہباز شریف صاحب کو, کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب آنے والے دور میں شاید وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں, جو حالات دیکھ رہے ہیں وغیرہ یہ وہ, تو ایک تو اچھی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ خاندان جو ہے سارے لوگ جو تھے وہاں کیا متحد رہے, اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ کانشیس ہے اس بات پہ کہ اب کچھ عرصے سے ان کے خاندان میں دراریں پڑ گئی ہیں, وہاں پاور سینٹر بن گئے ہیں, اگلی جو جنریشن آ رہی ہے دے ڈونٹ سی ٹو آئی, ایک طرف حمزہ ہیں تو دوسری طرف مریم نواز ہیں, اب ایک علی عمران صاحب ان کے داماد آ گئے شہباز شریف کے, وہ بھی میدان میں, ادھر کیپٹن صفدر ہیں نواز شریف صاحب کے داماد ہیں, نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, تو لہٰذا ایک پاور اسٹرگل بھی ہو سکتی ہے اس خاندان میں, اور یہ پیسوں کے معاملات بھی ہیں ظاہری بات ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے جو یونٹی کی کال دی ہے کہ جی اس طرح نہ, یہ صحیح بات ہے. دیکھیں اگر میں ان کی جگہ ہوں, اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں بھی یہی بات کروں, بات ہوتے ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباز, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کی, نیکسٹ جنریشن کی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں, یہ دونوں بھی وہاں موجود تھے, نصیحت کو کتنا سنیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے, اس سے پہلے میں ایک بات پہ تھوڑا سا احتجاج بھی کرنا چاہتا ہوں اور مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک نیگیٹو کمپین چل رہی ہے. ایک پوسٹ رات میں نے دیکھی, مجھے کو دکھ ہوا, اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دکھایا کہ نواز شریف پوچھ رہے ہیں کہ شہباز تم کدھر آئے ہو, انہوں نے کہا جی میں بائی پاس کا افتتاح کرنا, کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کو بہت وہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کو کنڈم کیا جانا چاہیے, اس کو اس طرح کا نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کا معاملہ نہیں ہے, جو فاروق صاحب نے اشارہ کیا وہ ایک حقیقت ہے کہ فیملی کے اندر اختلافات بھی ہیں, بہت سے مسائل ہیں, لیکن شریف فیملی کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے تو اگلا ان کے خاندان کا لیڈر کون ہوگا جو اقتدار سنبھالے گا, اور اس کی گرومنگ, اس کی تیاری, اس کے سلسلے میں امپورٹنٹ فیصلے کریں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا آپریشن اب سے 3-4 گھنٹے بعد شروع ہوگا, 90% مریض جو اس بیماری کا شکار ہو کے یہ آپریشن کراتے ہیں وہ 5ویں دن صحت یاب ہو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کل جب شہباز شریف صاحب ان کے پاس بیٹھے, انہوں نے نصیحتیں کی, دیکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ دیدہ ہو گئے, وہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا. فیملی جو ہے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن اس موقع پہ سارے اکٹھے ہیں, کوئی نہیں چاہتا. دیکھیے مسلم لیگ نون جو ہے یہ شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہے, شہباز شریف صاحب تو پنجاب کی بیوروکریسی کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, میڈیا کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن بہتر نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے مسلم لیگ نون متحد ہے. تو کل انہوں نے جو دو باتیں کہی وہ بڑی سی, ایک مستقبل کی سیاست کے بارے میں انہوں نے مشورے دیے, ملکی امور چلانے کے بارے میں جو طویل سیاسی مشاورت ہوئی اس میں سب سے زیادہ زور اس پہ رہا کہ دیکھیے شریف فیملی کو متحد کر کے اگر اکٹھے ہو کے چلیں گے آگے تو اس سے فائدہ. جو آپ نے اشارہ کیا اس کو آپ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, انہوں نے کہا مستقبل کے جو فیوچر, مستقبل کے جو پولیٹیکل فیصلے ہیں ظاہری بات ہے شریف خاندان کے, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل یہ بھی بات ہوئی ہے کہ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب کو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اگلا جانشین, پولیٹیکل جانشین اس فیملی کا کون ہوگا, اس یہ باتیں بھی میرے خیال کل ہوئی ہیں. لیکن ڈی مورلائزیشن والی بات نہیں ہے, ڈی موٹیویشن والی بات نہیں ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں, سب صحیح ہو جائے گا, آپ واپس آئیں گے, اور نواز شریف صاحب کی طرف سے تھوڑا سا ڈی موٹیویشن, ہوپفلی ایوریتھنگ ول بی اوکے انشاءاللہ, ہی ول کم بیک, لیکن وین ہی ول کم بیک یہ میں تنویر صاحب سے اگری نہیں کرتا ہوں, اللہ کرے میں کہتا ہوں 2 دن میں واپس آ جائے, لیکن اگر ان کو ضرورت پڑ گئی ریسٹ کرنے کے لیے, لانگ میڈیکل لیو کے لیے, تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شہباز شریف, شہباز شریف سبسٹیٹیوٹ کریں گے دی پرائم منسٹر, یہ بات غلط ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ جتنی تسلی دیتے ہیں اتنی تشویش بعض لوگوں کی بڑھ جاتی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس ٹائم پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے قائد بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی دے, پاکستانی قوم کی بھی یہی دعا ہے, لیکن ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی علالت چل رہی ہے وہ بھی صحیح ہو. سیاسی علالت جب میں بات کرتی ہوں تو ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشنز ہوتے ہوئے بار بار ملتوی ہوتے ہیں, پہلے ہونے تھے پھر ملتوی ہوئے فیصلہ باد کے جلسے کی وجہ سے, اب پھر ملتوی ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کے ہاتھ سے پی ٹی آئی کی قیادت نہ نکل جائے, اسپیشلی پیناما لیکس کے بعد جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ بات کی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا خود کا نام آ گیا, تو تنویر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے.
देखिए जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की एक अच्छी जमात है, बड़ी जमात है और पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा इसको पसंद करता है और इसको एक मुतबादल हुकूमत की, एक आने वाली हुकूमत की ऊपर इसके बारे में ख्वाहिश रखता है कि यह इख्तदार में आए। ये जमात जो है ये अपने पार्टी इलेक्शन इसके कहाँ गए, ये बड़े फख्र से जिक्र करती थी। ये पार्टी जो है इसने मेंबरशिप क्यों रोक दी है, ये पार्टी जो है ये ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को मनज़म क्यों नहीं कर रही, इस पार्टी में धड़े क्यों हो गए हैं, ये धड़े पार्टी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए क्यों जो आपस में जंग कर रहे हैं, इमरान खान साहब पार्टी के अंदरूनी क्राइसिस को हल करने में कामयाब क्यों नहीं हुए हैं, ये वो सवाल हैं जो आज पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदे की ज़बान पे है। देखिए पार्टी के जो इलेक्शन हुए, ये इमरान खान का बहुत अच्छा ये था जैसा कि उन्होंने कहा कि मुल्की इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ का इंतखाबात साफ शफाफ थे, क्या उसके अंदर पैसे नहीं चले थे, क्या उसका जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जस्टिस वजी साहब की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो चीज़ें उठाई गई थी क्या सारी की सारी झूठ और गलत बयानियों पे मबनी थी। पीटीआई ने सर उस वक्त तो इलेक्शन थे, उस वक्त भी इन्होंने पार्टी इलेक्शन करा दिया, अब तो ऐसी सुर्ख वाली कोई नहीं। मेरी नज़र में पीटीआई की प्रॉब्लम यह कि पीटीआई बहुत ज्यादा ओवर डेमोक्रेटिक हो गई है। ठीक है ना जी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान ने जिसमें जिस कोशिश की इस लेवल पे कि वो जनाब अपने तमाम मिलियन द वर्कर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को डिक्टेटोरियल होना चाहिए? नहीं, 2,80,000 जाली वोट निकल आए पार्टी इलेक्शन में, ये डेमोक्रेसी है? बाकी पार्टी में तो इतनी जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाए। मेरी बात सुने, वो उनकी और किस्म की वोटिंग है, जमात इस्लामी को आप छोड़ दें, मैं बात करूँ पीपल पार्टी पीएमएलएम की, जहाँ पे एक सेशन होता है और कहते हैं आप हमारे लीडर है, आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उधर ही 15 मिनट में फैसला हो जाता है। तो ये एक आप क्रेडिट दें कि ओवर ठीक है डेमोक्रेटाइजेशन को ज्यादा आगे। देखिए ये प्रॉब्लम है इमरान खान की पॉलिटिकल कंपल्शन जो है वो आगे है सामने, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिल्कुल डिवीजन सामने आई है। वो क्यों? पीटीआई के अंदर नजराती वर्कर जो उनके बैकबोन है और ख्वातीन एक तो वो ग्रुप है, उसके अलावा ये जो डोनर्स हैं जो पार्टी को ज्यादा फंडिंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं, फ्यूडल्स हैं, उनको भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। और तीसरा जनाब उनके जो इलेक्टेबल्स आए हैं 2013 के इलेक्शन से पहले और 2013 के बाद, वो इलेक्शन भी उनके इलेक्टेबल भी उनकी मजबूरी बन गए। ठीक है फारूक साहब, ये बताइए चौधरी सरवर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई इमरान खान क्यों खत्म नहीं करा सकते? मैं मानता हूं ये हुआ है, लेकिन चौधरी सरवर साहब ऑब्वियसली आजकल हम एक लो प्रोफाइल में देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हाई प्रोफाइल में हम देख रहे हैं, वो अलग दिल से वो पीटीआई के है नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, पिछले दो सब्जेक्ट्स पे केपी के गवर्नेंस के हवाले से भाई अच्छी खबरें आ रही है, 350 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट वहां पर काम हो रहा है। वो खबरें भी आ रही हैं कि लंदन भेजने की बात और हो रही है। कल की खबर के 60 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार है, ट्रांसमिशन लाइन बिछ जाएगी तो दिसंबर में बिजली शुरू हो जाएगी। 1 बिलियन सुनामी ट्री का प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में कभी लोगों ने तो लूटा है कि जब मुकम्मल होगा ना फारूक साहब, अच्छी तब बात करेंगे, मुकम्मल नहीं हुआ अभी। नहीं, जो फैक्ट है वो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि जनाब 50% अभी उस पे काम हुआ है, वो 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है। पेशावर से होके आया हूं जी, पेशावर के अंदर देखिये पुलिस बेहतर हुई है, वहाँ पे एक्सेसिबल हो गई है कैबिनेट, कुछ अच्छी बातें भी शुरू हुई है, लेकिन इमरान खान जहाँ जाते हैं वहाँ हालात ठीक हो जाते हैं। क्या परवेज घटक या रवायती सियासतदान ये इमरान खान के एजेंडे पे उस तरह अमल कर सकेंगे? यही सवाल है कि कहीं पार्टी इलेक्शंस होने के बाद इमरान खान साहब पीछे और बाकी लोग आगे ना हो जाए, पीटीआई का जो असल मोटो था उससे कहीं हट ना जाया जाए। नाजरीन, हटे तो कुछ अफगानी भी हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत से मिन्नत समाजत की गई पाकिस्तान की कि खुदारा रेफ्यूजीज के हवाले से अपना जो स्टैंड है उसे थोड़ा सा नरम किया जाए। कल से अफगानिस्तान के जो लोग आएंगे वो वीजा के थ्रू आएंगे पाकिस्तान के अंदर तुर्खम बॉर्डर के हवाले से, और सिर्फ शनवाई ग्रुप जो है उसको दिया जाएगा, उस कबीले को दिया जाएगा 20 किलोमीटर के अहाते के अंदर सरहदी इलाके से। अब इससे डेफिनेटली जो वहां से लोग आते थे उनके आने जाने में भी बहुत मसला होगा, और डेफिनेटली अफगानिस्तान हुकूमत को तो होगा कि यहाँ लोग आ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। देखिए अफगान गवर्नमेंट और ये अफगानिस्तान के दारे अगर पाकिस्तान को इस तरह डिस्टेबलाइज करेंगे और एंटी पाकिस्तान पॉलिसी रखेंगे जिस तरह चीजें सामने आई हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, और वो काम शुरू हो गया है।
वो अफगान गवर्नमेंट अब मिनते कर रही है कि ये जो 15 लाख अफगान अपना ये रेफ्यूजी है, महाजरीन है, इनको जनाब 2-4 साल के लिए आप इनको वापसी जो है उसको डिले कर दें। ये वो हैं जो कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के तहत इन लोगों ने वापस जाना है। मेरा ख्याल देखा ना, 6 महीने तक तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको इजाजत दे दी थी कि ये 31 मई तक इनकी वापसी जो है उसको डिले कर दिया। 6 महीने काफी टाइम होता है। नहीं, 6 महीने मैं समझता हूँ इस पे पाकिस्तान को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को कहना चाहिए, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, के जनाब आप जल्द से जल्द इनकी वापसी का बंदोबस्त करें, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये तमाम मसाइल हमारे लिए पैदा किए। ठीक है, जब पाकिस्तान के खिलाफ करने की बात आती है, मोदी से बात की जा रही होती है, बड़े हंस के खिलखिला के बात की जा रही होती है, तब नहीं अपने रेफ्यूजीज याद आते, तब नहीं याद आता पाकिस्तान ने कौन कौन से एहसान किए। देखिये, वही वाकयात है जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है अब मुहतात हो गया है और रेगुलेट करना चाहता है आमदोरफ्त को जो पाक भारत पाक अफगान सरहद के ऊपर हो रही है। 15 लाख रजिस्टर्ड महाजरीन हैं, इनकी पाकिस्तान में क्याम का जो मुद्दत है यह पूरी होने जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि इसमें अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि 6 माह की 4 साल की आर्जी तोसी कर दी जाए। पहले ही 6 माह की जो आर्जी तोसी थी उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब देखिए कि दहशतगर्दी भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, मुदाखलत हो रही है, एक इक्तसादी बोझ भी पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान ने ये ईमानदारी तवील अरसे तक कई अरसों तक निभाई है। ये जो बलोच वजीर दाखिला का बयान आया है, ये उनके करब को, ये सरफराज भुट्टी साहब का जो करब है, ये पाकिस्तान में अब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जा रहा है कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तानी मुआशरे में जो ड्रग्स आ रही हैं, असला आ रहा है, दहशतगर्द आ रहे हैं और अफगान हुकूमत का और अब तो जासूस आ रहे हैं, जो भारत का जासूस है वो भी अगर अफगानिस्तान के रास्ते से आएगा तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। बात बड़ी क्लियर है कि अब अफगान रेफ्यूजीज का मसला वो इंसानी मसला या वो ह्यूमैनिटेरियन मसला नहीं रहा, ये मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है। ये हमारी फारूक साहब, हमारी बड़ी सरहद को कैसे आप कर सकेंगे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ये अपना इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। लिहाजा मेरा ख्याल अब हमने उनको बड़ा क्लियर पोस्चर हमारा है कि जनाब इनफ इज़ इनफ, अब आपके ये लोग वापस जाएंगे, ठीक है ना जी, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो हमें हमारी कौमी सलामती को नुकसान हो रहा है। जो आपने सवाल किया, देखें चित्राल से लेके साउथ वजीरिस्तान तक, जनूबी वजीरिस्तान तक जो 1120 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमने वहाँ पे 550 चेक पोस्ट कायम किए हैं ताकि वो बॉर्डर वो जो इलीगल क्रॉसिंग है उनको भी देखा जाए वगैरह वगैरह। अफगानिस्तान के साइड से सिर्फ 145 चेक पोस्ट है, मतलब वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, उनका तो ट्रेन चल रहा है उनको रेगुलेट करना। लेकिन अब जो ये फैसला हुआ है कि जनाब तुरखम पे या बाकी 8 और बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स है, अरंदू, नवापास, गुलाम खान, खलाची, इधर जनाब जो भी आएगा उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होगा, दोनों तरफ से जो क्रॉसिंग होगी, ताकि थोड़ा बॉर्डर मैनेजमेंट को रेगुलेट किया जाए और कुछ डिसिप्लिन लाया जाए बॉर्डर। लेकिन ये पॉसिबल भी हो गया नहीं, ट्रेन बड़ी चैलेंज। जो तशवीश की बात है वो ये है कि 4 रुकनी राबता ग्रुप जो था वो नाकाम हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन इन मामला को सॉर्ट आउट करने में। अगर ये बातें बातचीत के जरिए हल ना हुई तो फिर हालात जरा मजीद कशीदगी, हालात मजीद कशीदगी की तरफ वैसे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ से एनडीएस के 6 जो है एजेंट पकड़े जाते हैं और फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जानिब से कुछ बयानात भी ऐसे आते हैं जो कि एंटी पाकिस्तान लगते हैं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि तमाम जितनी भी कुर्बानियां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए दी वो तमाम भूली जा रही है। तो फिर सख्त इकदाम तो इधर से भी हो सकते हैं, पाकिस्तान भी बहुत सारे चैलेंजेस जो है अफगानिस्तान के लिए खड़े कर सकता है, ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी, डिप्लोमेटिकली सोचनी चाहिए थी। अभी हम जाने ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे खुर्शीद शाह साहब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले खुर्शीद शाह साहब की बात की, आपको याद होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी जब बात की गई थी हज स्कैंडल, हज के हवाले से हाजियों को 90,000 मोबाइल की, तब भी खुर्शीद शाह साहब का नाम आ गया था। अब अदालत ने भी खुर्शीद शाह साहब का एक और मसले में नाम ले लिया, ईओबीआई का इदारा जो कि पहले ही जिसके बारे में कहा जाता है करप्शन बढ़ी हुई, उधर खुर्दबुर्द बढ़ी हुई, उस बारे में खुर्शीद शाह साहब को अब तलब किया गया है और ये कहा गया है कि ईओबीआई में स्टे के बावजूद भी भर्तियां क्यों हुई, ये भर्तियां गैर कानूनी है, तौहीन अदालत है। अब डेफिनेटली जब ये बात सामने आएगी तो खुर्शीद शाह साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे?
या वॉकआउट कर जाएंगे जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी? कल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा है, ये ईओबीआई का केस जिसमें गैर कानूनी तकर्रियों के हवाले से जफर गोंदल साहब का हम डिस्कस करते रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर के भाई थे जी। अब अदालत ने इस पर कहा है कि जब हमने हुक्म दिया था कि इसमें भर्तियाँ जो हैं वो ना की जाएँ तो उसकी अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी क्यों हुई है। देखिए बात यह है कि जफर गोंदल के जो करप्शन के मामलात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अदालत कहती है कि उस वक्त का जो मेहनत और अफरादी कुवत का वजीर था और जो उस वक्त का इस वजारत का सेक्रेटरी था, इन दोनों को बुलाया जाए और इनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे वजाहत तलब की जाए। खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके मामलात पहले ये खबरें मीडिया में आती रही हैं, उनकी मुदाखलत जो है वो रही है इस वजारत के अंदर, वो अपने कारकुनों की तकर्रियों तबादलों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते थे। ये भी हमने देखा है कि आपने जैसे कहा कि हज के अंदर मोबाइल फ़ोन स्कैंडल के अंदर उनका नाम आया, NHA के ऊपर आया। देखिए वावडा में जितने मीटर रीडर हैं वो सारे के सारे इतनी तरक्की नहीं करते कि जितने असासे हम खुर्शीद शाह साहब के देखते हैं, कई सवालिया निशान हैं। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो हमारे जमहूरी लीडर हैं, लेकिन अगर उन पे सवालिया निशान हैं तो जिस तरह कायदे आप हिजब इक्तदार के लोगों को पकड़ते हैं, हिजब इख्तलाफ के लोग अगर कानून खुर्शीद शाह साहब आपके हमारे जमहूरी लीडर हैं ये क्या मतलब है? कायदे हिज़्बे इख्तलाफ को पूछा जाना चाहिए। मेरा कायदे हिज़्बे इख्तलाफ एक करेक्टर वाला, एक साफ सुथरा, एक ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए। अगर कानून तोड़ा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों का जमहूरी लीडर ना कि आप जमहूरी की तौहीन कर रहे हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर जो करप्शन यहाँ भी पकड़ी जा रही है, करप्शन इस गवर्नमेंट में भी पकड़ी जा रही है, दोनों के पास अखलाकी जवाब नहीं है एक दूसरे पे तानाजनी करने का, फिर भी किए चले जा रहे हैं। ये तो देखे 2008 से जब से ये जमहूरी दौर आया, सो कॉल्ड जमहूरी दौर, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि हर इदारे में ये पिछले 8 साल में ये इलीगल और ये जो भर्तियां हैं ये हुई हैं। आप कोई इदारा ले ले, PIA ले ले, रेलवे ले ले, आप सिंध पुलिस में आप देखिए, आप उन तमाम सिंध में क्या हुआ है, सिंध में कम से कम कराची ऑपरेशन और एपेक्स कमेटी की जो कार्रवाइयों के बाद उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को निकाला जा रहा है जिन्होंने इन लोगों को ये गलत काम किया, उन लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है, नैब हरकत में, FIA, तो वहाँ पर करेक्शन हो रही है। बाकी सूबों में इस तरह नहीं है, बलूचिस्तान में भी थोड़ा काम शुरू। ये जफर गोंदल साहब कौन है? इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के वजीर हैं, उनके भाई थे, EOBI के, ये तो ऑलरेडी जेल के अंदर है। और यहाँ पे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तौहीन अदालत हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपने ये काम नहीं करना, तो अगर इन लोगों ने किया है, आरएफ अदीब साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी उनको भी बुलाया गया, खुर्शीद शाह साहब मतलब वजीर थे उनको भी बुलाया, खुर्शीद शाह साहब ने कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जफर गोंदल का हवाला देके इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा जोर देते हैं। कुछ ऑनेस्ट जो ब्यूरोक्रेट थे जो उनकी बात नहीं मान रहे थे उनको काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद की थी, तो अब उनको अब उनके ऊपर बात आई है, उनको इसका जवाब देना चाहिए। और देखिए ये जो ये है ना कि हम चूंकि वोट लेके आए हैं तो हमने सारे कानून तोड़ के नौकरियां दे दी। ये आर्मी और जो जो अदालतें हैं उनकी ताजीम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये जब पूरी हुकूमतें आईन अपनी पार्टी का बनाया हुआ इसकी तरफ नहीं जा रही। यही आपने अच्छी बात की, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब पिछले कई दिनों से उनकी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं गुड गवर्नेंस के बारे में, ये अच्छी लीडरशिप और ये तमाम चीज़ों के बारे में। मेरा ख्याल है कि इस केस में एग्जांपल बनाना चाहिए कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन को वायलेट किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक टेस्ट है चीफ जस्टिस साहब के लिए कि जनाब वो इन लोगों को फिर पकड़े और ये एक मिसाल बनाई जाए इन लोगों को। सही, पहले सुबह मोटो नोटिसेस भी बढ़ाते थे, अब तो वो भी आना बंद हो गए। एक सियासतदान जब अपनी फैक्ट्री लगाता है तो वहाँ जो 5 बंदों का काम है उसके लिए 2 बंदे भर्ती करता है कि ये 5 बंदों का काम कर लेंगे, लेकिन सुई गैस के मामले में, PIA के मामले में, रेलवे के मामले में हम इस तरह नहीं सोचते। जहाँ 5 बंदों की जरूरत है वहाँ हम 10 बंदे भी भर्ती कर लेते हैं। गलत लोगों को भर्ती करेंगे, उनको तनख्वाहें देंगे, तो एक्चुअली नुकसान किसका और बजट का? किसी को नहीं छोड़ा जाता, गरीबों की आप बात कर रहे हैं, कौन से गरीब को छोड़ा जाता है? या हाजियों को नहीं छोड़ा जाता, या पेंशनर्स को नहीं छोड़ा जाता, या स्कूल और हेल्थ के बजट को नहीं छोड़ा जाता, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि EOBI के इदारे को छोड़ा जाएगा? नाज़रीन, लेकिन अब एक और चीज होने वाली है, ब्यूरोक्रेसी बड़े आइडियाज देती है, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट
ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये बड़ा मसला बना हुआ था। मसला इसलिए बना हुआ था क्योंकि कोई चीज कोई राह हमवार करनी थी नए कंसल्टेंट्स लाने के लिए। पता नहीं अब इस हवाले से कितनों को नवाजा जाएगा। नए कंसल्टेंट्स आ रहे हैं पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए। कंसल्टेंट्स चाहिए थे, खुद नहीं कर सकते थे। पहली बात यह है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है, वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सके। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बिलो एवरेज लोग आ रहे हैं, इनकी तरबियत में भी फलाज हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग भी नहीं हैं। कोई एक सियासतदान के पीछे, कोई दूसरे सियासतदान की नौकरी पे, कोई ईद पे मुबारकबादें ले जा रहा है, कोई मिठाई और केक भेजवा रहा है। ये इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कभी परवेज़ लाई के साथ काम कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी का ब्यूरोक्रेट है, कोई नवाज शरीफ का ब्यूरोक्रेट है। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट जो रियासत के मुलाजम हों, जो सियासतदानों के सामने खड़े होकर कहें कि हमने हक बात करनी है, इस तरह के लोग हमें कम देखें। ये कहते हैं कि हमारे पास नए आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास टाइम नहीं है इस पर इम्प्लीमेंट करने का, हमें प्राइवेट सेक्टर से कंसल्टेंट हायर करने हैं और हम खसूसी टीमें बनाएंगे जो हर महकमे के नए इनिशिएटिव हैं। मौजूदा पूरा स्टाफ जो 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 कि ओवर स्टाफ्ड हैं पाकिस्तान के महकमे, उनको इग्नोर करके ये नए लोग करना चाहते हैं। देखिए बात यह है कि इनकी एफिशिएंसी का ये हाल है कि गैर मुल्की भी अब एनजीओज को पैसे देते हैं, उनको पता है कि ब्यूरोक्रेट जो है इसके अंदर ना तो एफिशिएंसी है ना इसके अंदर सलाहियत है, ये इनके अपने पड़े हुए पैसे लैप्स कर जाते हैं और इनके पास टाइम नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेजमेंट की तरबियत दी जाती है। टाइम मैनेजमेंट की तरबियत दी जाती है। ठीक है, आपने टाइम की बात करनी है, कहते हैं टाइम नहीं है ब्यूरोक्रेसी के पास। तनवीर साहब खुल के बात नहीं कर रहे, मकसद ये है कि वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के जो नए आइडियाज हैं पंजाब गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं तो जनाब उनको इंप्लीमेंट करने कंसल्टेंट लेके आओ। कंसल्टेंट का मतलब है आप पता नहीं 30 होंगे, 40 होंगे, 100-200 कंसल्टेंट, हर महकमे का एक कंसल्टेंट, कुछ कंसल्टेंट होंगे, आगे उनकी स्पेशल टीमें बनाई जाएंगी, वो लोग भी हायर किए जाएंगे। तो ये एक तरीका है अपने ब्लू आइड लोगों को मजीद नहीं, लेकिन मेरा सवाल टाइम नहीं है उनके पास, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टाइम किधर इस्तेमाल हो रहा है, ना काम हो रहा है ना टाइम है, फिर क्या हो रहा है? नहीं देखिए यही तो हम कह रहे हैं, ये तो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना कि अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने वो डिसीजन अपने इंप्लीमेंट नहीं करा सकती है, अपने जो उनके इनिशिएटिव्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए भी लोगों को लाना पड़ेगा। ये तो बड़ा फेल मॉडल। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली अगर आप देखें एक सेकंड तनवीर साहब एक सेकंड, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट में क्या खबर आई थी सामने कि जनाब जो इतनी बड़ी ह्यूज आर्मी थी कंसल्टेंट की, उसमें एक होम्योपैथ डॉक्टर भी था, ठीक है, तो नवाजा गया लोगों को। होना भाई सबसे बड़ा कंसल्टेंट तो आपका कंसल्टेंसी तो मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, रोज मीडिया हर चैनल से आपको तजावीज आ रही है, आपके कहीं पर चले अनफेयर क्रिटिसिज्म भी होती है लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जा रही है, आपको बता रहे हैं कि भाई ये रास्ता आप अपनाएं। छोटा सा हल है, जरा टाइम ऑडिट करके देख लिया जाए कहाँ है। एक वजीर आला वो जाता है मुजफ्फरगढ़ किसी काम के पॉलिटिकल एक फ़ायदा हासिल करने के लिए, कहीं पे कोई वाकया हुआ है ज्यादती का वो जाता है, सारे इजला के डीसी, सारे कमिश्नर, सारी पुलिस, सारे पटवारी, सारे तहसीलदार उसके जलसे के बंदे इकट्ठे करने के लिए दफ्तरों में काम बंद हो जाता है, इसलिए कि वजीर आला ने आना है। हाँ। वहाँ पे सेक्रेटरी को भी होना चाहिए वहाँ पे फलां। ये जो गवर्नेंस का तरीका है ये दुरुस्त नहीं है। कम से कम ब्यूरोक्रेसी को अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। ये जो आलूदा हो गए हैं सियासी तौर पे, ये नकमी ब्यूरोक्रेसी है हमारी, इसको करना चाहिए कि ये वजीर आला को बताए कि जनाब इसको इस तरीके से बहुत है सुबह में दे आर ओवरफ्लोइंग विद मनी, उनको समझ नहीं आता कि हम पैसा किधर लगाएं। वो पैसा लगा दें आवाम पे तो शायद उनको समझ आ जाए कहां असल में मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है आपस में सियासी ताल्लुकात बढ़ाने में लगी हुई है। अगर ये काम छोड़े जाएं तो उसके बाद फिर जो उनको बाकी काम नजर आएंगे, फिर उनको समझ आएगा टाइम किधर लगा सकते हैं। लेकिन नजरें डिप्लोमेसी की तरफ भी हमारे कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं जा रही। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब जो है डिप्लोमेटिकली बड़े ताकतवर जा रहे हैं। लेकिन अभी एक अजीब और इंटरेस्टिंग बात ये आई सामने कि एक ट्रेडिशनल ड्रम नरेंद्र मोदी साहब ने बजाया, पहले जापान में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद यहाँ, पहले वो वीडियो देखें उसके बाद फिर इस बारे में बात करते हैं।
ड्रमिंग में तो काफी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी काफी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अभी जाना है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने अच्छाई का ढोल पीटने। देखिए, पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ ड्रमर ही नहीं है, बहुत बड़े ड्रामाबाज भी है, ठीक है ना जी। इनसे कोई बात नहीं है कि आज आपको पता लगे कि जी वो लंदन फ्लाई कर गए हैं 4 घंटे के लिए, कि मैं जी मेरे दोस्त नवाज शरीफ साहब को मैं वहां पे उनकी तीमारदारी करने जा रहा हूँ, तो क्वाइट केपेबल। इस तरह के ड्रामे ये करते हैं, चाय बना के दी थी ओबामा को। अब देखे ना, हाँ, अब बेसिकली है तो टी बॉय, उन्होंने एक जो चाय बना के दी वो ओबामा को, कैसे उन्होंने ओबामा को जनाब घेर लिया, अमरीका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी इनका कर रहा है हर चीज में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए, तो ये कैसे लिया थे। लेकिन देखें, हमारे भी ओबामा जो है, ओबामा भी मशहूर है कि वो भी डांस शांस को शौकीन है, हमारे भी वो जनरल मुशर्रफ और उसके बाद नवाज साहब ये भी बड़े शौकीन है मौसीकी के वगैरह। हमारे जो गवर्नर सिंध है, वो 2 महीने पहले आपने देखा नहीं था, वो लाइव गिटार गवर्नर साहब वो बजा रहे थे। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो अभी आपने बात की, मोदी साहब कल जा रहे हैं 5 अपने मुल्कों का, एक उनका हरिकेन टूर है, लेकिन उसमें मेरे लिए सबसे ठीक है, एक दिन अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, लेकिन 6 जून को वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अब आप देखें वो स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं, नाज़रीन सुने जरा, वो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, उन्होंने कहा है कि मेरे बीजेपी का ये मैनिफेस्टो में है और मेरे इलेक्शन का ये वादा है कि स्विट्जरलैंड अकाउंट्स में जो ब्लैक मनी इंडिया का पड़ा हुआ है, मैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा। वो जा रहे हैं एक दिन के लिए स्विस गवर्नमेंट से मिलने के लिए कि जनाब वो अरेंजमेंट कैसे किए जाए, बातचीत आगे चलाई जाए कि पैसा वापस लाया जाए। मुझे बताए कोई पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसी जरूरत कर सकता है कि वो स्विट्जरलैंड जाए कि जी मैं अपना पैसा वापस। वैसे तो तमाम वजीर आजम के बारे में खबरें आती हैं कि जो वहां पैसा है उनका, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब जो अब वहां जाके ड्रमिंग करेंगे, डिप्लोमेटिक ड्रमिंग, वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक तो नहीं होगा। असल कहानी ये है कि मोदी हुकूमत को 2 साल पूरे हो गए हैं। जो मोदी के हामी हैं वो कहते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही, इक्तसादी इंडिकेटर्स बेहतर हो गए, इन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए काफ़ी काम किया। खुद मोदी जो है वो वज़रा से ब्यूरोक्रेसीज रिपोर्ट लेते हैं। जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक पंफलेट छापा है कांग्रेस ने, मोदी के झूठ और झूठे वादों के 2 साल। वो कहते हैं कि किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मोदी हुकूमत के इदाद व शुमार झूठे हैं, मोदी हुकूमत जो है वो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा पूरा नहीं कर सकी मोदी हुकूमत। अब ऐसी सूरत हाल में ड्रम बजा के तवज्जो खबरों में आने का जो एक आर्ट है, और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मसाइल से तवज्जो हटा के दूसरी तरफ मोदी कर रहे हैं, ये उनके पीआर एक्सपर्ट्स की एक कामयाब कोशिश है। देखिए, हमने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो फन के कदरदान थे, खुद भी गाते थे और उनका हमने कई उनकी परफॉर्मेंस देखी हैं। हनीफ रामे मुसव्वर थे, कनाडा के वजीर आजम के हम डांस अक्सर देखते हैं। मैं इंडोनेशिया गया एक मरतबा तो मुझे बताया गया कि वहाँ जो हुकूमत के सरबराह हैं उनके गानों की सीडी लॉन्च हुई है। तो ये इस तरह का था फन से लगाव का नहीं, मसला ये है कि अपने लोगों से कितना लगाव है, उनका लोगों से लगाव नजर आ रहा है। यहाँ हमारे यहाँ जरा कंपैरिजन कर लीजिए, जो फन से लगाव रखने वाले वो लोगों से लगाव रखते हैं। छोड़े, आज का ऐसा दिन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, हिस्ट्री भी देख ले, नहीं वो आप पीछे भी आप देख ले। मेरा ख्याल है मोदी साहब ने जो इंडिया के आवाम के लिए अपनी कमिटमेंट देखा, हमारे तो वो दुश्मन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन दुश्मन है आपके प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को वो अपने तरीके से जो वो कर रहे हैं वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अभी आप देखें 7 जून को वो जा रहे हैं अमरीका, उन्होंने वहां पर 2 दिन के लिए ज्वाइंट सेशन है कांग्रेस का, वो एड्रेस करेंगे, हो सकता है उधर भी वो किसी और किस्म का ड्रम बजाए वहां पे जाके। और यकीनी मैं तो मुझे यकीन है कि उस खिताब के बाद भी, और एक बहुत बड़ा ऑनर है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर पाकिस्तान के खिलाफ मामला था जो वो चलाने में कामयाब। जो मोदी से 20,000 मेगावाट मोदी ने बिजली बचाई है LED कंपेन चला के, कि LED के साथ रिप्लेस करें बल्बों को, दूसरी टेक्नोलॉजी को। देखिए, जो अच्छी बातें हैं इंडिया की, कोई हर्ज नहीं है कि उनसे सबक सीखा जाए। ये जो ड्रम वाली बात है, देखो ये तो एक लाइटर साइड पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत की जो कामयाबियां हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर, आलमी दुनिया के साथ जिस तरह रबते किए हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लोगों को भी समझ रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक ड्रम बड़ा अच्छा बजाते हैं। ये ड्रम ही अच्छा नहीं बजाते बल्कि डिप्लोमेटिक ड्रम भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि ये डिप्लोमेटिक ड्रम अपने हमसायों के खिलाफ नहीं बजाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे F-16 के मसले को खटाई में डाला, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जाके बातें की, जिस तरीके से पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान को साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की कोशिश की जाती है, ये नेगेटिव चीज़ है। अपने हमसायों के साथ दोस्ती का सलूक रवा
रखें। कहा यह जाता है फन के कदरदान लोग वैसे ही बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जरा मोदी साहब सॉफ्ट हार्टेड हो जाए पाकिस्तान के हवाले से भी। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर और फेसबुक पर बाखबर सुबह के नाम से हम मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।